हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको अपनी जेड प्लान की टोपियरी दिखाएंगे, जिस पर कि हम काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यूस रहेगा शेप देने के लिए। तो सबसे पहले ये कछुआ, ये उनकी फरमाइश पर दिखा रहे हैं, इस पर जो है हम आगे बाद में आएंगे। तो ये वाली जो है मेरी सबसे पहली टोपियरी है, जो कि 4 ईयर्स की हो गई थी पहली टोपियरी। ये मैंने जब शुरू शुरू में जेड प्लांट, अभी भी कई बार यहाँ पर लीव्स निकल आती हैं जिसको कि मैं हटाती रहती हूँ। और ये वाली, ये दो ब्रांच जो है बाद में मैंने ग्रो करी है, क्योंकि ऊपर से लोड काफ़ी हो रहा था उसका, तो अभी भी काम धीमे धीमे इसमें चालू है। तो सबसे पहली मेरी 4 ईयर्स की ये टोपियरी है, ये वाली जो है इसमें मैं पिकॉक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। काम अभी चालू है, थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर अभी ये जो स्टमक वाला हिस्सा है पिकॉक का, ये खाली है, तो इसको मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ ये सब ग्रो करके। यहाँ पर जो है ये बीक चोंच जो होती है, इसका शेप कुछ दे दिया है मैंने, अभी दिया है ये, मैंने फरवरी में दिया है तार लगा करके। ये देखिए, तार लगा रहता है, ठीक रहता है। और इसके बाद यहाँ पर जो है मैं टेल ग्रो करूँगी, ये पूरी इस तरीके से टेल जाएगी, तो इसको अभी ग्रो होने में पूरा 1 साल खूब आराम से लगेगा इस तरीके से टेल इसकी फैलने में। तो टोपियरी में कई बार जो होता है, कई सारे भी प्लांट्स यूज़ करने होते हैं, कई बार सिंगल प्लांट से भी बन जाता है। यहाँ पर ये वाली मेरी टोपियरी जो है, ये गेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ग्रेट गेट कहिए या पुल कहिए, कुछ भी कहिए, गेट ज़्यादा है ऐसे करके। एक्चुअली हमारे यहाँ इधर 2-3 दिन से बहुत बारिश हुई है, तो बारिश के कारण थोड़ा सा इसका ज़रा मिट्टी इट्टी वो हो गई है, तो उसको भी ठीक करूँगी मैं। ऐसे करके ये आता है, ये देखिए पूरा ऐसे आना चाहिए इसको। तब इस पर काम चालू है मेरा, कटाई छटाई होती रहती है, और किनारे किनारे इसके सपोर्ट देने के लिए मैंने लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, और जो रेड कलर का क्लॉथ है उससे मैंने बांध रखा है इसको। ये छोटी छोटी जो दिख रही है ये सब कटिंग ग्रो हो रही है, ये जो पिंचिंग करते हैं ना वहीं लगा देते हैं। ये मेरी डॉल, ये 3 ईयर्स की हो गई है, इसमें पेंट किया था, पेंट ख़राब हो गया है, जिससे फिर डॉल के कर्ली हेयर्स होते हैं ना, मैं वो वाला रूप देने की कोशिश कर रही थी इसको। तो कर्ली हेयर्स तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन डॉल का फेस गड़बड़ हो रहा है, दोबारा से फिर मैं इसको बनाऊंगी और फिर ये सब उसमें रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि पेंट वेंट जानते बारिश वगैरह से ख़राब होता रहता है। और ये वाला मेरा जो है एलिफेंट, इसको भी जो मैंने लास्ट ईयर बनाया है रेनी सीजन के समय, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि एलिफेंट कोई पिलर लेकर के चल रहा है। इसमें दोस्तों बीच में देखिए ये बॉटल लगी हुई है, ये आपको हम पीछे से दिखाते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर की है इसलिए पता नहीं चल रही, ये देखिए। तो यहाँ से इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर एक कटिंग लगी थी जो कि शायद सूख गई थी किसी कारणवश, तो ये भी हिस्सा दिखता ना, भर जाता पूरा। तो अभी भी इसको पूरा पिलर का शेप देने के लिए इसको मैं काटती छाटती रहती हूँ। जैसे एलिफेंट ये तो पालकी लेके अपने ऊपर चल रहा है, मेरी इमेजिनेशन ये थी। तो इसकी जो इसको घना बनाने के लिए, शेप देने के लिए बराबर से कंटिन्यूसली पिंचिंग वगैरह होती है, ऐसे ये जो ऊपर की टिप होती है ना, इनको मैं हटा देती हूँ तो वहाँ से 2-2 ब्रांचेस अलग से निकल आती हैं, फिर ऐसे ही शेप मिलता रहेगा। और अब की कुछ दिन बाद मैं यहाँ पर भी इधर की तरफ एक कटिंग लगा दूँगी, तो ये हिस्सा जो खाली दिख रहा है ये भी भर जाएगा। वैसे ये पीछे की साइड है, ये आगे से ये आ रहा है। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा तार देखिए इसमें भी बांधा है, धागा भी बांधा है, डोरी भी बंधी है, तो कोई एक्स्ट्रा ब्रांच निकलती तो मैं उसी के अंदर डाल देती हूँ। ये एक ये वाली मेरी लास्ट ईयर मैंने इसको भी ग्रो किया है, ये प्लांट था उसकी मैंने कटिंग लगा दी थी, मोटा ही था ऑलरेडी, ये मोटी ही स्टेम को करा था। तो यहाँ पर मैं एक गोला बॉल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक बॉल यहाँ बनेगी ये वाले में, और यहाँ वाली तो ख़राब हो गई है, फिर से उसको मैं ग्रो कर रही हूँ, एक बॉल ये जाएगी एक ये जाएगी, तो इस तरीके से ये है। ये देखिए बॉन्सई का रूप मैं देने की कोशिश कर रही हूँ इसको। तो और एक इधर और है, ये मैंने अभी 1 महीना हुआ, 1 मंथ हुआ है इसको बनाते में, ये छोटी सी है, इसको मैं राउंड शेप में थोड़ा सा ग्रो कर रही हूँ, राउंड एंड राउंड कई मैं इसका दूंगी, आगे फिर देखते हैं, अपडेट भी देते हैं। सब फ्रेंड्स, कोई भी टोपियरी बनाना है तो बराबर से उसमें काम करना है। हम तो क्या होता है ना,
वंस अ मंथ करते हैं, एक बार ग्रो करते हैं, महीने में एक बार कटाई छटाई जो करनी होती, और गोबर खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, कुछ और अलग से नहीं मैं डालती हूँ। शेप नहीं दूंगी दोस्तों तो सब ख़राब हो जाएगा। जैसे ये वाला मेरा टोर्टोइस था, शुरू में मैं इसको स्टार फिश के रूप में ग्रो कर रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको जो था कछुआ यानी कि टोर्टोइस के रूप में ग्रो कर दिया। अब देखिए ये सब डाली आपस में मिल रही हैं, यहाँ मैं पीछे की तरफ टेल जा रही है, तो अगर मैं इसको शेप नहीं दूंगी तो ये ख़राब ढंग से ग्रो होगा। तो ये देखिए इस तरीके से ही आगे जो है कछुए का मुंह है ये, तो बराबर से इसको शेप देना है, कटाई छटाई करना है। दोस्तों जेड प्लांट जो होता है बहुत ही इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आपको एक और प्लांट अभी दिखाते हैं जो कि आज चार साल से ज़्यादा, ये देखिए कटिंग से ग्रो हुआ था इसी बॉटल में, आज ये कटिंग इतनी बाया, ये मतलब पूरा प्लांट इतना कड़ा हो गया है कि इस बॉटल से निकलता नहीं है, मुझे ये काट करके इसको बाहर करना पड़ेगा। अब इसे आपको कोई भी टोपियरी बनानी है, या तो आप कटिंग से वैसा शेप दे दो डायरेक्ट, ये भी कर सकते हो, नहीं तो आपका जो फुल्ली ग्रोन प्लांट है पहले अच्छे से उसको ग्रो कर लीजिए, फिर आप उसमें देखो ये क्या शेप बन सकता है। जैसे मेरा देखिए ये इसको नीचे की तरफ ये ऐसा ग्रो हो रहे हैं सब, और यहाँ पर एक डाली ये ऊपर की तरफ देखिए जा रही है ये, तो अगर हम चाहें तो तार से इनको बांध दें और यहाँ पर एक चोंच टाइप की बीक बन जाएगी पिकॉक की, और यहाँ पर जो है मैं इसको पंख वाला हिस्सा दे दूँ, ये बॉडी हो जाएगी, और ये सब हिस्सा मैं काट दूँ तो ये एक पिकॉक का शेप आने लग जाएगा इससे। लेकिन अभी मैं इसको अपना ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, अभी मैं इसको छोड़ रखती हूँ कि हो सकता है कुछ और दिमाग में मेरे क्रिएटिव आइडिया आए तब मैं इसको ग्रो करूँगी। दोस्तों जेड प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है, इसको लगाइए और इससे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके गार्डनिंग को एक नया आयाम, एक नया रूप दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।